हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर के सेट 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो पैसेज से है, तो आइए पैसेज आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पे उनका सारा सॉल्यूशंस बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवेन टू, कि लैंग्वेज एक वंडरफुल गिफ्ट है जो दिया गया है। किसको दिया गया है? मेन को दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है व्हेन रैबिट सीज ऑन एनिमी इट, कि जब रैबिट एनिमीज को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? बॉब्स इट्स टेल्स अप एंड डाउन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है अडेस बार्क्स व्हेन अ स्ट्रेंजर कम्स नियर, करा कि कौन भौंकना स्टार्ट कर देते हैं जब स्ट्रेंजर उनके नजदीक आते हैं? तो कुत्ता क्या करता है? भौंकना स्टार्ट करता है जब कोई स्ट्रेंजर, जब कोई अजनबी उनके सामने आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है नो एनिमल्स पासेस द गिफ्ट ऑफ, ऑप्शन डी लैंग्वेज इज करेक्ट। आगे हमारा है फाइव नंबर क्वेश्चन व्हेन अ बी सीज फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बीज बाय, करा कि जब कोई बी, जब कोई मक्खी भोजन को देखती है तो वो दूसरी बीज को, दूसरी मक्खियों को जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट करती है? तो वो क्या करती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, डांसिंग करके कम्युनिकेट करती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स, कॉशंस का मतलब क्या होता है? तो कॉशंस का मतलब क्या होता है? वार्न। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद देखिए अगेन हमारा पैसेज दिया गया है, तो चलिए पैसेज को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा है फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज, ठीक ना, कि पुस्तक पढ़ने वाले अधिकांश लोगों के लिए बुक्स जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एन एंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा एट नंबर है बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, बुक्स हेल्पफुल होते हैं किसके लिए? ऑप्शन ए रिपोर्टिंग रिजल्ट, रिसर्च रिजल्ट, स्पैनिंग प्रोग्रेसिव व्यू ऑन वाइटल मैटर्स, स्टडिंग फॉर एग्जाम। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन जो है तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, कि तीनों सही है तो चौथा क्या मानना है? ऑल ऑफ द अबव। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? तो देखिए पढ़ लीजिएगा आप लोग पैसेज को। तो ऑप्शन सी जो है ह्यूमन लेबर हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बुक्स, ये इनमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेंथ नंबर हमारा है बुक्स कंट्रीब्यूट टू, बुक्स कंट्रीब्यूट्स टू फाइनेंशियल एडवांसमेंट, फिजिकल एडवांसमेंट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। 11th नंबर क्वेश्चन है द वर्ड इन पैरा टू मीन्स ऑर्नामेंटली, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी करेक्ट होगा। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? डेकोरेटिवली। डेकोरेटिवली हमारा सही है कि ऑर्नामेंटली का जो है वो सिनोनिम्स क्या है? डेकोरेटिवली है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज का आपको सुटेबल टाइटल चूज करना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ह्यूमन एडवांसमेंट। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है इन नॉट मैकिंग नॉट्स आर नॉट रिटेन इन, कि नॉट्स मैकिंग में जो है नॉट्स नहीं लिखा जाता है, किसमें? फ्रेजेस में, इडियम्स में, सेंटेंस में, पॉइंट्स में। तो देखिए फ्रेजेस में लिखा जाता है, इडियम्स लिखा जाता है, पॉइंट्स भी लिखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, कि नॉट मैकिंग जो है वो सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है नॉट्स शुड बी, नॉट्स कैसा होना चाहिए, ये हमारा है सिक्वेंशियल, सेंसिबल, लेजिबल्स एंड क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 15 नंबर क्वेश्चन है सिंबल आर फ्रीली यूज एंड, कि सिंबल का फ्रीली यूज किया जाता है किसमें? लेटर राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में, एसे राइटिंग में और नॉट मैकिंग में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉट मैकिंग। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, बता रहा कि नोटिस जो स्कूल और कॉलेजेस में लिखा जाता है वो अनाउंसमेंट किनके लिए होता है? तो वो अनाउंसमेंट किनके लिए होता है? स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
17 नंबर हमारा है अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, कि फॉर्मल लेटर जो है वो स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है, तो फॉर्मल लेटर हम लोग पढ़े हैं कि फॉर्मल लेटर जो है वो किससे स्टार्ट होता है, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है लेटर टू द एडिटर आर रिटेन फॉर न्यूज़पेपर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, करा कि आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जा सकता है, तो है कॉट्स स्टैटिक्स सी बॉथ ए एंड बी और डी है नेदर ए एंड बी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इसमें कि जब हम लोग आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग कॉट्स और स्टैटिक्स का यूज करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल राइटिंग नोटिसेस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटेन एट द, करा कि नोटिस लिखते समय इशूइंग अथॉरिटीज के सिग्नेचर को लिखा जाना चाहिए, तो नोटिस में हम लोग पढ़े हैं कि इशूइंग अथॉरिटीज के सिग्नेचर को जो है हम लोग हमेशा कहां पे लिखते हैं, बॉटम में लिखते हैं, बॉटम मतलब सबसे नीचे लिखते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 21 क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, करा कि एडिटर को लेटर लिखने का मोटिव क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही होगा कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। देखिए हम लोग जो एडिटर के पास पत्र लिखते हैं ना, इनका मेन मोटिव होता है कि एडिटर क्या करे, उस लेटर में जो चीज को हम लिखें उसको अपने पेपर में पब्लिश करे, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 22 है हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, करा कि एक आर्टिकल को कैसे इंडेड किया जाना चाहिए, तो आर्टिकल को कैसे इंडेड किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट विद अ सुटेबल कंक्लूजन। जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो एक सुटेबल कंक्लूजन के साथ, सुटेबल निष्कर्ष के साथ हम लोग उसको क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द फ्रेंच क्लास, करा कि लास्ट फ्रेंच क्लास में बैक बेंचेस पे कौन बैठा था, तो हम लोग पढ़े थे कि बैक बेंचेस पे कौन बैठे हुए थे, विलेज एल्डर्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 नंबर है व्हाट डिड हेमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, करा कि स्कूल के लास्ट डे हेमेल अपनी क्लास के लिए क्या लाए थे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यू नोटबुक्स लेके आए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब कहां एम्प्लॉयड था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एट अ टी स्टॉल। हम लोग स्टडी में पढ़े थे कि साहब को एक टी स्टॉल पे जॉब मिलती है जहां पे 800 रुपीज और दिन का सारा भोजन मिल जाता है। 26 नंबर है मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, कि मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कहां जाकर, बाय गोइंग टू अ गैराज, वो गैराज जाके, ठीक ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 है कि वैन डगलस रिगेन कॉन्शियसनेस, ठीक ना, कि जब डगलस को अगेन होश आता है, ठीक ना, होश आने के बाद हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, शुक एंड क्राई एंड डिडंट एट एनीथिंग, कि बेचारा शुक करता है, क्राई करता है और उस नाइट को कुछ भी नहीं खाता है वो। 28 नंबर हमारा व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, डगलस जो है इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू अवर कम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, पानी के प्रति उनका जो डर था उस डर को खत्म करने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर किए थे। कब किए थे, तो हम लोग देखे थे 1 अक्टूबर को किए थे और अप्रैल में वो पूरी तरह से कंप्लीट स्विमर बन गए थे, लेकिन उनका डर जो है वो जून जुलाई तक चलता रहा। 29 नंबर है व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन सी फेल्ट अ पेंग ऑफ, कि जब पोएट पुनः अपनी माँ की ओर देखती है तो सी फेल्ट अ पेंग ऑफ, क्या, हर फैमिलियर एक्ट, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। 30 नंबर हमारा है द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, कि पोएट जो है अपनी मदर की कंपैरिजन, अपनी मदर का तुलना जो किससे की, तो अपनी मदर का तुलना हम लोग पोएम में देखें कि वो अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से करती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 31 व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, करा कि स्लम एरियाज के जो चिल्ड्रेन है उनका फेस हमें क्या दर्शाता है, तो उनका फेस हमें क्या दर्शाता है, ऑप्शन क्या है, हैप्पीनेस है और लॉन्ग वेट है, एस्पिरेशंस है और चौथा है लैक ऑफ एंथुसियाज्म, तो लैक ऑफ एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह की कमी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
32 नंबर हमारा है, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, कि विजिटर्स जो है वो पुअर चिल्ड्रेन को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। 33 हमारा है, पैब्लो नेरुडा वंस टू इंटायर ह्यूमैनिटी टू, कि पैब्लो नेरुडा जो है वो पूरी मानवता को, पूरी मानव जाति को, पूरी मानव जाति से वो चाहती है कि क्या करे, तो पूरी मानव जाति क्या करे, शांत रहे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन दिस स्टोरी द टाइगर किंग, क्या टाइगर किंग की स्टोरी में एक दूसरे के दुश्मन के रूप में किसे डिस्क्राइब किया गया। तो हम लोग स्टोरी पढ़े हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि बुल एंड टाइगर को डिस्क्राइब किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कारकेज, करा कि कौन बंदूक पकड़े हुए और बाकी सब के ऊपर होकर तस्वीर खिंचाना चाहता है, फोटो खिंचाना चाहता है। तो हम लोग देखे थे ना स्टोरी में कि वो अंग्रेज ऑफिसर जो दुरई था, वो जब वहां पे उनके राज में आते तो वो एट फर्स्ट ये प्लानिंग करते कि हम बाघों का शिकार करें, लेकिन जब राजा मना करते हैं तो लास्ट में बोलते नहीं शिकार राजा ही कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ फोटो क्लिक करवाएंगे। तो ये कौन चाहते हैं, तो दुराई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क्ड अस टू काउंट, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ अर्थ इज, करा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एंड ऑफ द अर्थ ले जाने वाले प्रोग्राम का नाम है, क्या नाम है, स्टूडेंट ऑन आइस, क्या है, स्टूडेंट ऑन आइस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बताए भी थे स्टोरी में हम आप लोग को कि इनका हेड कौन था, एक कैनेडियन था जिनका नाम जियाफ ग्रीन। आगे हमारा क्वेश्चन है 38, गोंडवाना एग्जिस्टेड, ठीक ना, गोंडवाना एग्जिस्टेड उसके बाद सॉरी गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, कितना गोंडवाना कह रहा कि लगभग मौजूद था कब, वो 650 मिलियन ईयर्स अगो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 39 हमारा है, सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सदाओ जो अमेरिका गए थे क्या सीखने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन। देखिए हम लोग स्टोरी में पढ़े थे कि सदाओ जो है वो अमेरिका गए थे 22 साल की अवस्था में क्या सीखने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन के लिए, और वो 30 साल की अवस्था में वापस आ गए थे। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऑल द सर्वेंट्स इन सदाओज हाउस होल्ड, ठीक ना, कि सदाओज के हाउस होल्ड के जितने भी सर्वेंट्स थे वो क्या क्या नहीं करना चाह रहे थे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, पूरा नहीं लिखा गया, सोल्जर होगा वहां पे, कि वे सोल्जर की ट्रीटिंग में हेल्प नहीं किए, क्योंकि यूमी साफ उसको वॉश करने से मना कर दी थी, हम लोग ये देखे भी थे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और सभी स्टूडेंट के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि आगामी एग्जाम में उन्हें भी फायदा हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।